हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जी, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का मतलब ये हो गया कि इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कैसे करनी है। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है इन्वेंटरी का मतलब है जो भी चीज, जो भी एसेट, ध्यान से समझिएगा, इन्वेंटरी आर द एसेट। कौन सी एसेट? जो आपने अपने पास होल्ड करके रखी है फॉर सेल। यानी कि अगर आप कोई एसेट अपने पास रखते हो सेल के लिए, लेकिन ध्यान रहे वर्ड क्या लिखा है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बिजनेस, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो और वो चीज आपके पास पड़ी है बेचने के लिए, तो उसको हम इन्वेंटरी बोलेंगे। सीधी सीधी बात बोले तो वो कह रहा है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि आपके पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो कहता है हेल्ड इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, यानी कि अभी वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, जब बन जाएगा तो आप उसके बाद उसे सेल कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरे नंबर पर आता है हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, यानी कि अगर आपने किसी एसेट को होल्ड करके रखा है मटेरियल की फॉर्म में या सप्लाईज की फॉर्म में, और आप इस मटेरियल और सप्लाई का क्या करोगे, टू बी कंज्यूम्ड, आप इसे कंज्यूम कर लोगे। कहां कंज्यूम करोगे? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि आप इसे प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करने वाले हो। दैट मींस आपने मटेरियल खरीदा और आप इस मटेरियल को प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करके आप इसे फिनिश गुड्स बनाओगे। तो अगर ये रॉ मटेरियल आपके पास है तो ये रॉ मटेरियल भी आपकी क्या कहलाएगी, इन्वेंटरी। अब मान लो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए बुक्स रखी हुई है। अब वो बुक्स क्या मेरे लिए इन्वेंटरी है? नहीं सर, डेफिनेशन 1 के हिसाब से नहीं है क्योंकि आप बुक्स बेचते नहीं हो। डेफिनेशन 2 के हिसाब से नहीं है क्योंकि वो WIP नहीं है। पर डेफिनेशन 3 में एक वर्ड लिखा हुआ है और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने कोई मटेरियल अपने पास रखा है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो मटेरियल भी मेरे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेंटरी कहलाएगा। तो इसका मतलब जो बुक्स मेरे पास अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए पड़ी होंगी वो मेरे लिए क्या कहलाएंगी, इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी की डेफिनेशन में बेसिकली 3 चीजें आ गई, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, मटेरियल का स्टॉक, और मटेरियल के साथ साथ लूज टूल, सप्लाईज, कंज्यूमेबल सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। अब मुद्दा यह आता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इन्वेंटरीज नहीं आती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है किसी भी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स में, तो वो इन्वेंटरी आपके लिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसकी अकाउंटिंग आपको AS 13 के हिसाब से करनी है, राइट। अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया कंस्ट्रक्शन का और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी अधूरा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसकी इन्वेंटरी नहीं मानी जाएगी, यानी कि उसकी अकाउंटिंग आप AS 7 के हिसाब से करेंगे। लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर आपने मटेरियल खरीदा हुआ है तो उस मटेरियल की अकाउंटिंग आप इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। अगर मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, आधी कर दी आधी नहीं करी, तो क्या वो सर्विस मेरी इन्वेंटरी है? द आंसर इज नो, सर्विस कभी भी इन्वेंटरी नहीं होती। लेकिन सर्विस के लिए जो मैंने मटेरियल खरीद के रखा है वो मेरी इन्वेंटरी कहलाएगी। मिनरल ओर्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस, यानी कि जो नॉन रीजनरेटिव एसेट्स होती हैं, वो सारी की सारी एसेट इसके स्कोप से बाहर है। और लास्ट में एग्रीकल्चर आइटम भी इसके स्कोप से बाहर है। इसका मतलब ये सारी एसेट्स इसके स्कोप में कवर्ड नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कवर्ड नहीं है, राइट। अब बात ये आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कैसे करनी है, यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 तरह की इन्वेंटरी है। पहला फिनिश गुड्स, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा रॉ मटेरियल। तीनों की जो हमारे को वैल्यूएशन करनी है वो अलग अलग तरीका है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फिनिश गुड्स के बारे में। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? अगर आपने कोई चीज मार्केट से खरीदी है या उसे खुद बनाया है, तो आपको यह देखना है कि आपको घर पर कितने की पड़ गई। इसका मतलब अगर आपने मार्केट से खरीदी तो कितने की खरीदी और उसके ऊपर कितने टैक्सेस पे करे, कितना खर्चा किया, वो सब उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। और अगर आपने उसे खुद बनाया है तो मटेरियल कितने का पड़ा, फिर आपके पास लेबर कितने की पड़ी, उसके ऊपर बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ी। इन शॉर्ट, बनने के बाद अगर कोई फिनिश गुड्स आपके पास है तो वो गुड्स आपको कितने का पड़ा, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट में 2 चीजें आ गई, पहला खरीदने की कॉस्ट, दूसरा उसे बनाने की कॉस्ट। तो मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज और कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल लगती है, लेबर लगती है, ओवरहेड्स लगते हैं, राइट। और उसके बाद NRV। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NRV? NRV कहता है कि भाई ये गुड्स आपको लेट से पड़े 100 रुपए के,
अब आप कह रहे हो ये मार्केट में कितने के बिकेंगे, तो आपने बोला जी मार्केट में 105 के बिक जाएंगे, लेकिन 105 के बेचने के लिए 10 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। सर 105 के बेचने के लिए 10 का खर्चा करना पड़ेगा, दैट मीन्स घर पे कितने आएंगे, सिर्फ 95 रुपए। तो सिंपल सा फंडा ये है कि कॉस्ट हो गई 105, मार्केट वैल्यू भले ही 105, कॉस्ट हो गई 100, मार्केट वैल्यू भले ही 105 है, लेकिन 10 रुपए बेचने का खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि आपकी एनआरवी हो जाएगी 95। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड होगी हमारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट, राइट। अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा, परचेज प्राइस, और अगर आपके पास कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपने नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपने कस्टम पे करा आपको कस्टम का इनपुट नहीं मिलता तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने जीएसटी पे करा और जीएसटी का आपको इनपुट मिल जाएगा तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। देन इसके बाद अगर आपने लाने के लिए कोई भी फ्रेट खर्चा या ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, अगर लाते समय कोई भी ट्रांजिट का इंश्योरेंस खर्चा है, वो सब आपकी परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कभी भी ऐड नहीं होता, रिबेट कभी भी ऐड नहीं होती, उसको हम माइनस कर देते हैं। और अगर आपको इन्वेंट्री में कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, इन शॉर्ट एबनॉर्मल लॉस आपको किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की किसी भी रूल में हो रहा हो, तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी ऐड एडजस्ट नहीं होता। और दूसरी बात, रिफंडेबल और एडजस्टेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, बेसिकली अगर आपको जीएसटी का इनपुट मिल सकता है तो वो जीएसटी का इनपुट आपका, मतलब जो जीएसटी है वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, राइट। इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब उसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट। अब अगर आपने वेजेस खर्ची है तो जितनी वेजेस आपने खर्ची है, जितने घंटे आपने उससे काम करवाया वो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि ऊपर और खर्चा किया है, तो वो खर्चा डिपेंड करता है कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अगर वो खर्चा वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे खर्चा होता जाएगा, तो जितना खर्चा हुआ बनाने पर उतना ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर खर्चा फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड के केस में आपको ध्यान रखना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट, आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड करना है नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर से। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल आउटपुट, अगर आप नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा बना रहे हो तो आप फिक्स्ड ओवरहेड उससे ज्यादा नहीं ले सकते। बेसिकली क्या है, आपने 100,000 के ओवरहेड्स खर्चे और आपको लग रहा था आप 10,000 यूनिट बना लोगे, तो मतलब आपके पर यूनिट के 10 रुपए बनते हैं। अब आपने एक्चुअली यूनिट्स बना ली ज्यादा, तो अब आप 100,000 से ज्यादा थोड़ा ना ऐड कर सकते हो कॉस्ट में, आप कॉस्ट में तो मैक्सिमम 100,000 ही ऐड करोगे। लेकिन अगर आपने 10,000 से कम यूनिट बनाई है, तो उस केस में जितना कम है हम उतना ही ऐड करेंगे। इसीलिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले रिकवरी रेट निकालते हैं। रिकवरी रेट का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपने एक्चुअल आउटपुट से। इसके बाद हम आते हैं नेटरलाइजेबल वैल्यू। नेटरलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू माइनस जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी उसे बेचने के लिए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द स्टॉक। ठीक है जी, समझना क्या बेटा, अब समझना ध्यान से, अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो इसी तरीके से आ सकता है, और अगर आप वैसे ही देख रहे हैं ये वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, समझिए दी ध्यान से। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। रॉ मटेरियल की कैसे वैल्यूएशन होती है वो समझना है। रॉ मटेरियल होता है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, राइट। अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन डिपेंडेंट है फिनिश गुड्स पे। अगर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कॉस्ट पे हुई है, इसका मतलब फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो उसके एनआरवी से कम है। दैट मींस फिनिश गुड्स कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका मतलब फिनिश गुड्स महंगा बिक सकता है। तो अगर फिनिश गुड्स महंगा बिक सकता है, तो आप रॉ मटेरियल को बेचोगे नहीं, आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो उस केस में फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ है, तो एनआरवी, ये जो रॉ मटेरियल है ये भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, राइट। फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ, तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। आगे सुनो, अगर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स एनआरवी पे रिकॉर्ड हुआ है, अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब फिनिश गुड्स जो है वो आपको लॉस दे रहा है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर फिनिश गुड्स आपको लॉस दे रहा है, तो क्या आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे? नहीं। तो इन दैट केस आप रॉ मटेरियल को बाहर बेचने का सोचोगे, तो यहां पर आपको रॉ मटेरियल के लिए भी रूल लगाना पड़ जाएगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का। पंडे पे आते हैं फाइनल बात पे। फाइनल बात ये है, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे, अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे है तो रॉ मटेरियल के लिए रूल लगेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बात खत्म। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर एनआरवी में एक चीज और माइनस होती है,
क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी अभी तक बना नहीं है, तो बिकेगा तो तब जब ये बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें से मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट तो माइनस होती होती है, लेकिन साथ साथ कंप्लीशन जो कॉस्ट है वो भी माइनस होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको एक गुड्स अभी तक 100 रुपए के पड़ रहे हैं, मार्केट में ये गुड्स 150 में बिक सकते हैं, लेकिन 150 में तब बिकेंगे जब आप इसके ऊपर 60 रुपए का खर्चा करोगे। तो दैट मीन्स आप 150 के बेचोगे, 60 का खर्चा करोगे, यानी कि फाइनली आपको 90 रुपए मिलने वाले हैं। तो जो 90 आपको मिले और जो 100 आपके खर्च हुए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो 90 इज द लेसर, तो हम किस पे रिकॉर्ड कर देंगे? एनआरवी पे। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में जो भी हमें सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट तो माइनस करनी करनी है बेचने की, साथ ही साथ हमें उसमें प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है यानी कि उसको बनाने में जो कॉस्ट लगेगी अभी कंप्लीट करने में, हमें वो भी माइनस करनी है। और रही बात सप्लाईज की, तो डेफिनेशन में हमने मटेरियल एंड सप्लाईज वर्ड इकट्ठे पढ़ा था, तो मतलब सप्लाईज की जो अकाउंटिंग करनी है, वैल्यूएशन करनी है, वो बिल्कुल मटेरियल के हिसाब से करनी है, जैसे अभी अभी हमने रूल 2 में मटेरियल की समझी थी। अब बात आती है जी जॉइंट कॉस्ट। अब ये जॉइंट कॉस्ट क्या होती है इसको समझना। मान लो आप एक मशीनरी से प्रोडक्ट बना रहे हो, आप बना रहे हो एक प्रोडक्ट नहीं दो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन एक ही मशीनरी से बना रहे हो, इसका मतलब खर्चा हो रहा है जॉइंटली, लेकिन प्रोडक्ट बन रहे हैं दो, अब किसकी कॉस्ट में कितना ऐड करूं? तो वो ये कहता है, लेट से आपने इस मशीन से प्रोडक्ट बनाया, अब इसके बाद ये प्रोडक्ट बिकने को तैयार है, तो इस केस में आप इसे सेल्स वैल्यू की रेशियो में डिवाइड कर दोगे। याद रहे सेल्स प्राइस नहीं, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू क्या, मान लो आपने एक गुड बनाया 4000, उसका यूनिट प्राइस है 4 रुपए, तो 16000 सेल्स वैल्यू हो गई। बी गुड्स बनाए आपने 2000, उसका यूनिट प्राइस है 10 रुपए, तो 2000 × 10 = 20000 हो गई। तो वहां पर आपको 24000 और 20000, इस 16000 और 20000 इस रेशो में डिवाइड करना आपने इसे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने गुड्स बनाए, आपने जॉइंट कॉस्ट खर्ची, लेकिन इसके बाद गुड्स बिकेंगे नहीं, अभी इसके बाद और प्रोसेस होने हैं, यानी कि अब ए पे अलग खर्चा होना है, बी पे अलग खर्चा होना है, तो उस केस में हम कहेंगे भाई यहां पर बताओ, यहां पर ए और बी की एनआरवी कितनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर, तो जितनी एनआरवी आएगी उस रेशो में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल सा फंडा क्या है, इकट्ठा बनाया इसके बाद बिकने को तैयार है तो सेल्स वैल्यू रेशो, इकट्ठा बनाया पर इसके बाद फिर बनाना है तो यहां पर एनआरवी रेशो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मैं बना रहा था ए और बी, ये बना ए ये बना बी, साथ साथ फ्री फंड में सी भी बन गया, सी बन गया बाय प्रोडक्ट, यानी हम बना नहीं रहे थे अपने आप बन गया, तो वो क्या कहता है, सी को बेचो। अब सी को बेचने के से जो पैसा आएगा वो पैसा आप इस कॉस्ट में से माइनस कर लो, जॉइंट कॉस्ट में से, उसके बाद ए और बी में डिवाइड कर दो। दोबारा से, सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट बनाओ, जॉइंट कॉस्ट बनाने से ए बना बी बना सी भी बन गया, सी को बेचो, सी को बेच के जो पैसा आएगा वो कॉस्ट में से माइनस कर दो, फिर इस कॉस्ट को ए और बी में डिवाइड कर दो, जैसे कि अभी हम ऊपर डिवाइड कर रहे थे, राइट। इसके बाद बारी आती है रिटेल वैल्यू मेथड की। अब रिटेल वैल्यू मेथड जो है वो एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मेथड है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मान लो आपने 1.5 लाख रुपए के गुड्स भेजे अपने डिपार्टमेंट में, अपने स्टोर में, लेकिन आपको पता है कि उसकी कॉस्ट 1 लाख है, यानी आपने अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताया, आपने अपने स्टोर को नहीं बताया, आपको पता है कि उसकी कॉस्ट 1 लाख है और आपने उसे कितने में भेज दिए, 1.5 लाख में। इसका मतलब जो आपने 1 रुपए के गुड्स भेजे हैं उसकी कॉस्ट है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, ठीक है। अब आपने उससे पूछा, हाँ भाई तेरे पास कितने का स्टॉक है, उसने कहा जी 25,000। एक बात बताओ, वो आपको 25,000 रिटेल वैल्यू बता रहा है या कॉस्ट? ऑब्वियसली रिटेल, क्योंकि तो उसे तो रिटेल ही पता है। तो अब आप क्या कहोगे, 25,000 का है तेरे पास और मेरे को ये पड़ता है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 25,000। तो आपके पास, उसके पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट। अभी क्या फॉर्मूला लगाया आपने, ऊपर लिखी आपने टोटल कॉस्ट, देखो जी टोटल कॉस्ट, नीचे लिखी आपने क्या, टोटल रिटेल वैल्यू, टोटल रिटेल वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने जितना स्टॉक उसके पास पड़ा है उसका रिटेल वैल्यू से, राइट। तो इसे हम बोलते हैं रिटेल वैल्यू मेथड। इसके अलावा कौन कौन सी कॉस्ट हमें कभी भी स्टॉक में इंक्लूड नहीं करनी होती, दो हम ऊपर पढ़कर आए हैं। पहला क्या पढ़ा था, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी जिस ड्यूटी एंड टैक्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा आप उसको ऐड नहीं करोगे। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी ऐड नहीं करोगे। चार और सुन लो, पहला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कभी नहीं ऐड करने, सेलिंग एक्सपेंसेस कभी नहीं ऐड करने, फाइनेंस कॉस्ट कभी नहीं ऐड करनी। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है सर, इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने किसी से लोन लिया उसको इंटरेस्ट पे करा तो इंटरेस्ट कॉस्ट स्टॉक में नहीं ऐड होगी, स्टॉक के कॉस्ट में। लेकिन एक पोजिशन ऐसी आती है जब ऐड हो जाती है और वो पोजिशन बताएगा आपको AS 16, राइट। AS 16 यानी कि बोरोइंग कॉस्ट, तो वो चीज आप AS 16 में पढ़ना, ओके।
और लास्ट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद है बेटा एम्प्टी बॉटल्स। अब एम्प्टी बॉटल्स क्या होता है? एम्प्टी बॉटल्स का मतलब है खाली बॉटल्स। अब खाली बॉटल किसके पास पड़ी होंगी? मान लो एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट जो है उसके पास बार लाइसेंस भी है, यानी कि वो लिकर सर्व करता है। अब अगर वो लिकर सर्व करता है तो लिकर तो वो ग्लास में सर्व करेगा, पर उसके पास बॉटल बच जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा उसके पास बहुत सारी बॉटल्स होंगी। अब उस बॉटल के स्टॉक को वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करे, क्योंकि उसे बेचता थोड़ा ना, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा नॉमिनल वैल्यू पे। जीरो या नॉमिनल वैल्यू, बेटर इज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू यानी एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, एक नॉमिनल वैल्यू पे वो सारी एम्प्टी बॉटल्स को रिकॉर्ड कर देगा, राइट। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको जो मेजर डिस्क्लोजर देने होते हैं, डिस्क्लोजर का हमने बात करी थी कि पब्लिक को क्या दिखाना है, तो डिस्क्लोजर जो मेजर देने हैं उसमें से सबसे पहला है कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है, आपको ये बताना पड़ेगा। आप कौन से, आपके पास किस किस तरह का स्टॉक है, यानी कि फिनिश गुड्स कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, लूज टूल्स कितने हैं, आपको हर स्टॉक का अलग अलग बाइफर्गेशन क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने स्टॉक कैसे निकाला उसका फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, यानी कि कॉस्टिंग फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करा है आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है कोई भी पॉइंट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।